कक्षा 10 एक्सरसाइज 14.1 हम आज इसका 17वां प्रश्न करने जा रहे हैं। प्रश्न है 17वें प्रश्न का पहला भाग है 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। टोटल बल्ब कितने हैं 20 और उसमें से खराब कितने हैं 4। तो जो हमें दिया हुआ है पहले हम वही लिख लेते हैं। कुल बल्ब हमारे पास है 20, तो खराब बल्ब हमारे पास कितने हो गए 4। इसका मतलब ठीक बल्ब कितने होंगे, ठीक बल्ब कितने होंगे 20 में से 4 खराब है तो बाकी कितने ठीक होंगे 16 बल्ब जो है वह ठीक है। अब हम प्रश्न को पढ़ते हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला गया, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। तो देखिए एक बल्ब हमने निकाला, क्या प्रायिकता है कि वह खराब होगा, तो बटा लगाया कुल बल्ब कितने हैं 20, तो 20 आ जाएगा नीचे। खराब बल्ब यानी फेवरेबल आउटकम कितनी है 4, तो ये आ जाएगा ऊपर और ये हो गया 4 × 4, 4 × 5 = 20 यानी 1/5। इसका मतलब क्या प्रायिकता है कि वह निकाला गया बल्ब खराब होगा 1/5, यह जो है खराब बल्ब के निकलने की प्रायिकता है। क्लियर है, आइए अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। दूसरा भाग है, मान लीजिए भाग एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। इसका मतलब हमने एक बल्ब निकाला था पहले भाग में, वह खराब नहीं निकला, इसका मतलब वह ठीक था, हमने उसको वापस नहीं डाला, हमने उसको अलग रख दिया, हमने उसको वापस नहीं डाला, ठीक है। अब कुल बल्ब कितने हो गए 19। वेरी गुड, यही बात समझने की है कि पहले 20 बल्ब थे, एक बल्ब हमने बाहर निकाल दिया, कुल बल्ब कितने हो गए 19। अब मुझे ये बताइए कि खराब बल्ब कम हुआ कि ठीक वाला बल्ब कम हुआ, ठीक बल्ब, ठीक वाला बल्ब कम हुआ ना, क्योंकि प्रश्न में बोला कि मान लीजिए भाग एक में जो बल्ब निकाला था वह खराब नहीं है, इसका मतलब है ठीक है। और जो ठीक बल्ब है पहले 16 थे, अब कितने रह गए 15। अब रह गए 15। तो आइए अब हम प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न कहता है ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, अब शेष बल्बों में से एक बल्ब फिर से यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। तो प्रायिकता निकालनी है। अब दोबारा देखिए कुल बल्ब आएंगे नीचे, अब कुल बल्ब कितने हैं 19 और हमें चाहिए जो बल्ब खराब ना हो, तो खराब ना हो वाले कितने बल्ब हैं 15। इसका मतलब अब जो बल्ब निकाला गया उनमें से वह जो एक बल्ब है उसके खराब ना होने की जो प्रायिकता होगी वह होगी 15/15। क्लियर है सभी को? तो ये हम इस भाग में, इस प्रश्न में हमसे दो भाग पूछे गए थे, दोनों का जो उत्तर है हमने निकाल दिया।